तो एक तरफ जहां हमारे जो सांसद हैं वो वहां जाकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें इमरान खान की, तो उनके तख्ता पलट की तैयारी यहां पर हो रही है। कराची की अगर बात करें तो वो बगावत का मैदान बन चुका है और जो तमाम तकरीरें यहां पर हो रही है उनसे इमरान कांप उठे हैं। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। कराची बना बगावत का मैदान, कांपा पाकिस्तानी सुल्तान। वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। गुजरांवाला का गदर झांकी, कराची में कोहराम अभी बाकी। दो न्याजी, जो बंदा नंबर दो न्याजी, एक टके दे दो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर दो न्याजी, एक तके दे दो न्याजी, वो क्या तेरा शो न्याजी। गुजरांवाला में बाकी हो चुकी 11 सियासी जमातों का हल्ला बोल, इमरान के कानों में पिघले शीशे की तरह तड़प पैदा कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची नजारा भी नगारा वजीर आजम की आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है। कराची में 11 सियासी जमातों का इमरान के खिलाफ ये दूसरा विरोध प्रदर्शन है, जहां एक बार फिर इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विरोधियों ने जोर आजमाइश की है। कराची में होने वाले इस दूसरे मेगा शो में मरियम नवाज शरीफ के अलावा मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी भी शामिल हुए। जलसे के मैदान तक पहुंचने से पहले कराची एयरपोर्ट पर मरियम का जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके काफिले के साथ दिखाई दिया और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कराची में हुई इस दूसरी रैली से ही इमरान की हुकूमत और फौज दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तो आपको बता दूं कि विपक्षी नेताओं की मोर्चाबंदी का ये दूसरा पावर शो था। किस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक रैली जो है, दूसरी बार ये जो रैली जिसमें उमड़ा सैकड़ों समर्थकों का हुजूम, इमरान सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है। नवाज शरीफ की बेटी यानी कि मरियम नवाज जो है वो इसमें अहम भूमिका निभा रही है और आने वाले दिनों में इमरान की विदाई तय है। आपको बता दें कि वो जो 11 विपक्षी दल जो पूरा एक महागठबंधन वहां पर बना हुआ है, उन्होंने तो बकायदा इसका ऐलान किया था उस रैली से कि जनवरी तक इमरान की विदाई तय है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।